देखिए, मौका मिला हमें इस बीच पे आने का। इस बीच का नाम है हाफ मून बीच। ये जो गाड़ी है हमने देखा ही, लोग बोला चलिए घुमा के लाते हैं। हम चले आए हैं इस बीच पर। अब ये हटाया जाएगा, और गाड़ी अलग होगा, और इसको यहीं पर, इस कारवा को, ये जो आप देख रहे हैं सामने कारवा, इस कारवा को यहीं पर खड़ा कर दिया जाएगा। पहले आपको दिखाते हैं गाड़ी। ये देखिए, हवा, आज हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, हवा बहुत तेज़ है। यही है अपना हाफ मून बीच। ये जो हाफ मून बीच है, ये आपको अक्टूबर 19 से 65 किलोमीटर दूर। और वो जो आप सामने देख रहे हैं, ये सामने उधर देना बे करके जगह है, जो कि ये लोग बनाए, जो कि इसको ये लोग बनाए हैं समुद्र के अंदर। ये आप देख रहे हैं वहाँ पे घर बने हुए हैं उसके अंदर। जैसे कि हमने आपको पिछले अपने वीडियो में दिखाया था दुर्रत अल बहरीन का, जो हमने वीडियो बनाया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब आपको दिखाएंगे, पहले आप इधर, हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको इधर दिखाएंगे समुंदर। पहले देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इधर कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा समझिए कि रेगिस्तान टाइप का जो एरिया होता है ना, पूरा खाली मिलेगा। अभी जनरेटर स्टार्ट होगा और इसमें लाइन के लिए जनरेटर देखिए स्टार्ट हो गया। ये मोहन जी बहुत मेहनत करते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको मोहन जी के बारे में। इनसे एक बार इंटरव्यू ज़रूर लेंगे मोहन जी से हम। और ये स्टार्ट होने के बाद में, अब इधर से सब ये स्टैंड जो आप देख रहे हैं ये सब निकाला जाएगा, सब इस यहाँ कुर्सी टेबल जो भी है वो सब निकाल करके अभी बाहर यहाँ पे लगाया जाएगा, जिससे कि इसका नज़ारा उठाया जाए। देखिए किस तरीके से निकाला जा रहा है। निकाल करके यहाँ पे सब लगाया जाएगा कुर्सी बैठने के लिए। और आपको एक चीज़ और दिखा दें, इधर जो आप सामने देख रहे हैं, इधर आदमी लोग आ करके अपना स्विमिंग कर रहा है, नहा रहा है।
ये देखिए अभी ये खुल गया। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था मालवा का पूरा अंदर का, नज़ारा इसके अंदर का हमने आपको दिखा दिया है इसके पिछले वीडियो में। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि साउंड होगा वो उतना साफ नहीं आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है और इस समुद्र के लहर से भी आपको अनुमान लग सकता है कि हवा कितना तेज़ है। आदमी लोग आते हैं इस तरीके से और आ करके यहाँ पर नहाते हैं, घंटों समुद्र के अंदर बैठे रहते हैं, घंटा दो घंटा तीन तीन घंटा तक समुद्र के अंदर सब कोई बैठे रहते हैं और बैठ करके इस समुद्र का नज़ारा लेते हैं। हवा बहुत तेज़ है, हवा इतना तेज़ है कि हम क्या बताएं, हवा बहुत तेज़ है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हवा कितना तेज़ चल रहा है। अभी तो यहाँ पर कोई नहीं आया हुआ है और यहाँ पे ये लोग आते कब हैं, जब शाम होगा 5-6 बजे करीब में। ये पूरा रस्सी आप सामने उधर भी अगर आपको हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं उसमें से उतर करके सब कोई समुद्र के अंदर जा रहा है अपना नहाने के लिए। इस समुद्र के अंदर जा करके लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। देख रहे हैं इस तरफ भी आदमी लोग नहा रहे हैं, ये देखिए इधर भी आदमी लोग नहा रहे हैं, देख रहे हैं ना। एक बार फिर आपको हम बता देना चाहेंगे कि ये जो बीच है, इस बीच का जो नाम है हाफ मून बीच, ये हाफ मून बीच है। शाम के समय में तो यहाँ पे पूरा एकदम समझिए तो भीड़ होता है। अगर हम तो खैर अभी चले जाएंगे, अगर कहीं दोबारा अगर आने का मौका मिला ये भाई लोग के साथ में तो ज़रूर आएंगे। ये देखिए अभी भाई लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, शाम को अगर आए तो इसका भी दिखाएंगे, शाम को अगर रहे तो। ये देखिए मोहन जी किस तरीके से इसको जैक को लगा रहे हैं, ये मोहन जी जैक को लगा रहे हैं जिससे कि जो ये बैठने वाला भाग है वो दबे नहीं, इसको जैक पे ही खड़ा किया जाता है। ये देखिए दोनों जैक पे खड़ा हो गया है। और इधर से अगर आपको हम दिखाएं तो देखिए इतना बाहर वाला हिस्सा निकल गया, ये देखिए, और उसी पे इसको खड़ा कर दिया गया है। आइए अब फिर थोड़ा समुद्र का हम नज़ारा लेते हैं। इस बीच पर आपको हफ्ते में बस 2 दिन ही आदमी यहाँ पे नज़र आएंगे, एक गुरुवार को शाम को और शुक्रवार को शाम को, और शनिवार को भी नज़र आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में आपको जो काम करने का दिन होता है वो मात्र 5 दिन ही होता है, 2 दिन छुट्टी रहता है, मतलब कि आपको शुक्रवार और शनिवार छुट्टी रहता है।
अगर हमें पता होता कि हमें यहाँ पे आना है तो हम अपना हाफ पैंट लेकर के आए होते तो ज़रा हम भी इसके अंदर जाते। वैसे फ़िलहाल अभी हम अंदर ही हैं, ज़्यादा अंदर तो नहीं है। ये देखिए अभी हम इसके अंदर हैं, हम भी थोड़ा समुद्र के अंदर आ जाए हैं पहली बार। लेकिन अगर अपना कपड़ा लाए होते तो हम जरूर जरूर थोड़ा अंदर तक जाते। ये सामने कुर्सी पे लगा के बैठे हुए हैं जो इस गाड़ी को लेकर के आए हैं, उनका नाम नूर है। देखिए हवा यहाँ काफ़ी तेज़ है और यहाँ का जो अभी टेम्परेचर है, टेम्परेचर की अगर बात करें तो अभी टेम्परेचर यहाँ पे 45 डिग्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी गर्मी नहीं लग रहा है। बगल में है हवा की जो रफ्तार है आपको मालूम चल ही गया होगा पानी के इससे लहर से। यही है हाफ मून बीच। देखिए इस बीच के अंदर जो हमारे मोहन भाई हैं वो नहाने के लिए जा रहे हैं। हमारे मोहन भाई चले गए बीच के अंदर नहाने। और आपको एक ख़ास बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हालांकि इस जगह में बहुत सारा बीच है लेकिन आप हर बीच पर नहा नहीं सकते हैं, मतलब स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। अगर क्योंकि कुछ जो बीच हैं वो केवल बस वहाँ आप जाइए बैठिए एंजॉय करिए आइए, लेकिन वहाँ पे आप नहा नहीं सकते हैं। अगर आपको नहाते हुए किसी ने देख लिया तो तुरंत आपको पुलिस को बताया जाए यहाँ पर ये है। हाँ ये है, देखिए स्विमिंग कर रहे हैं मोहन भाई। ये है कि जो अलग अलग जो यहाँ पे बीच है उस बीच पे यही है कि आप नहाने का, जैसे कि आपको स्विमिंग करना है नहाना है तो उसके लिए अलग बीच है, आप उस बीच पे जाइए नहाइए कोई आपको नहीं बोलेगा। अभी हम जो हाफ मून बीच पे हैं इस जगह पर आदमी बस नहाने के लिए ही आता है। आदमी आएगा 2-3 घंटा अपना एंजॉय करेगा फिर अपना चला जाता है, और जिनको रुकने का मन करता है वो लोग आते हैं अपने यहाँ पर स्टे करते हैं।
पूरा रात होल नाइट स्टे करेंगे और फिर अपना चले जाएंगे। यही है ये। मोहन भाई को स्विमिंग आता है, मोहन भाई स्विमिंग कर रहे हैं, देखिए। मोहन भाई अभी खड़े हो गए हैं स्विमिंग कर रहे, वो मोहन भाई स्विमिंग कर रहे हैं। उन्होंने हमें भी बोला, लेकिन हमें तो तैरना ही नहीं आता है, इसलिए हम नहीं गए। देखिए धीरे धीरे लोग यहाँ पे आना शुरू किए हैं, अभी आप देख सकते हैं। और ये हमारे जो नूर भाई हैं, ये अपना आराम से बैठे हुए हैं। अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं। आए हुए हैं आकर के लोग अपना एंजॉय करेंगे, नहाएंगे समुद्र में। अभी देखिए धीरे धीरे इधर देखिए, इधर आपको दिखा रहे हैं, देखिए धीरे धीरे लोग इधर आना शुरू कर दिए हैं। और शाम तक ये पूरा बीच भर जाता है आदमियों से। और आप जब देखिएगा शाम के समय में, तो सभी लोग अंदर, आपको इस समुद्र के अंदर नज़र आएंगे सभी लोग नहाते हुए। जैसे कि हमारे मोहन भाई नहा रहे हैं वहाँ पर। हमने पहले ही बताया पिछले वीडियो में कि मोहन भाई इंडिया के हैं। अरे उधर वहाँ पे है, वो वहाँ पे लगा हुआ पाकिस्तान आपका सूट फॉर्म कती वो अंदर कॉर्नर्स वो अंदर कॉर्नर्स कतीर ना पर अंदर सूट पाकिस्तान आपका सूट वाला हो पाकिस्तानी हराम हरमा सही रखा